हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी तो गाइस इस वीडियो में बीए प्रोग्राम सेमेस्टर फिफ्थ के स्टूडेंट है आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट है आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट के लिए तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आंसर आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने जा रहा है तो देखिए सबसे पहले कि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो देखिए सबसे पहले कि हमारी टेन क्लासेस अपलोड है हिस्ट्री के ठीक है और ये इलेवन क्लासेस होने जा रही है तो एक चीज और देखिए कि जो ये यह आपको यहाँ पर लिखा है कि सोलह इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर की जो पीडीएफ है अगर किसी स्टूडेंट को परचेज करना है तो आपको व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना है आपको पचास रुपए में इस पूरी पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा और ये हिंदी मीडियम में पीडीएफ है देखिए टोटल इसमें सोलह क्वेश्चन है जिसमें से एट क्वेश्चन आपके पेपर में आने जिसमें से आपको फोर क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं तो देखिए ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है प्लस आपको इसमें से ही आएंगे आप 99 परसेंट आपका चांस है यही सब क्वेश्चन होंगे इससे अलग कुछ भी नहीं होगा इस पीडीएफ से अलग कुछ नहीं होने वाला और जितने भी 16 क्वेश्चन है ना गाइस सभी एक्सप्लेन किए गए वीडियो जो आपकी क्लासेस फर्स्ट में हमने ये सारे क्वेश्चन बता रखे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है किस किस टाइप से पेपर में पूछे जा सकते हैं और ये वीडियो जो हमारी होने जा रही है वीडियो क्लासेस इलेवन की लास्ट हो सकती है क्योंकि इसके बाद टाइम नहीं है आपके पेपर भी पास आने वाले तो कि और वीडियो अपलोड कर सके तो जो बाकी के क्वेश्चन इसके बच जा रहे हैं उसके लिए आप इस वीडियो को परचेस कर सकते हैं नहीं तो आप क्वेश्चन तो आपको पता ही है तो गूगल की हेल्प से भी आप आंसर देख सकते हैं ठीक है तो क्वेश्चन भी तरह की क्लासेस में देखिए सारे क्वेश्चन हो चुके हैं जो कि जहाँ तक क्वेश्चन हुए पहले वो बता देते हैं कहाँ तक हमने करा चुके हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका इलेवन है यहाँ तक हमने क्वेश्चन भी आंसर कंप्लीट कराया दिया इलेवन क्वेश्चन हमने टेन्थ क्लास के अंदर पूरी कंप्लीट है ठीक है इसके बाद जो बाकी के बच जाते हैं जैसे कि क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व दिखा देते एक बार आपको फिर ये यह सारे यहाँ तक कंप्लीट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन तो आपका ये बच गया इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग जो हमने नहीं कराया है फिर इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आएगा यूनिट आपका थर्ड के अकॉर्डिंग आ गया क्वेश्चन नंबर ये तेरह देख सकते हैं ये दो क्वेश्चन हो गए आपके इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है देख सकते हैं इनके आगे इंपॉर्टेंट भी लिखे रहते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फिर इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर पंद्रह तो ये देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर पंद्रह है फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सोलह आएगा ये टोटल ये छह क्वेश्चन आपके बच रहे हैं तो गाइस ये क्वेश्चन तो हमने आपको बता दिया चलिए इस वीडियो में देखिए आपका यूनिट फाइव का जो क्वेश्चन नंबर पंद्रह इस क्वेश्चन का आंसर हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे बाकी के चार से पांच क्वेश्चन आपके बच रहे हैं तो आप क्वेश्चन उस पीडीएफ को परचेज कर लीजिएगा नहीं तो आप गूगल से आंसर देख सकते हैं ठीक है और बाकी की क्लासेस की वीडियो हम आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते सकते हैं हैं सभी के आंसर देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि क्वेश्चन को तीन टाइप से लिखा गया है सेकंड, थर्ड तो तीनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है अलग अलग टाइप से देखिए आधुनिकता क्या है पूंजीवादी उद्योगिककरण के संदर्भ में व्याख्या कीजिए क्वेश्चन सेकंड है पूंजीवादी उद्योगिककरण के संदर्भ में आधुनिकता को परिभाषित कीजिए आधुनिकता का और शुरुआत कैसे हुई है बताइए शताब्दी में आधुनिकता का वर्णन कीजिए तो तीनों क्वेश्चन एक किए गए क्वेश्चन को घुमाने का तरीका है कि जो पेपर में घुमाया जाता है कि स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाए ठीक है तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं आंसर अब हम आपको बता रहे चलते सबसे सब। तो देखिए परिचय में आपको क्या लिखना होगा आधुनिककरण का अभिप्राय क्या है आधुनिक समय की प्रौद्योगिकी अर्थ अव्यवस्था और संस्थाओं के विकास से से है जिसमें आधुनिकता के दार्शनिक और मानवीय आयामों को शामिल नहीं किया जाता है आधुनिकतावाद शब्द का इस्तेमाल उन्नीसवी शताब्दी के अंत और बीसवीं शताब्दी के साहित्य और कला संबंधित घटनाक्रम के लिए किया गया तो देखिए जो आधुनिकता क्या होती है कि जो आधुनिक होती है ना इस संस्था व्यवस्था के अकॉर्डिंग विकास करती है प्लस जो इनके दार्शनिक आयाम को इनमें शामिल नहीं किया गया आधुनिकता के और प्लस जो आधुनिकतावाद शब्द का इस्तेमाल हम कब से करें तो उन्नीसवी शताब्दी है ना उसके जो अंतिम वर्ष होते हैं जब से प्लस बीसवीं शताब्दी के शुरुआत में आप कह सकते हैं साहित्य और कला से संबंधित घटनाओं को जानने के लिए हम इसका प्रयास कर रहे हैं बीसवीं सदी की शुरुआत समानतावाद के पतन और पूंजीवादी के उदय और विकास से मानी जाती है तो जो बीसवीं सदी की शुरुआत कब से मानी जाती है जो तो समानतावाद का पतन हुआ था इसमें पूंजीवादी समाज का जो उदय हुआ था और इनका विकास हुआ था ठीक है औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति जिन्होंने को एक दिया, घटना थे। तो ये एक जो आधुनिक क्रांति थी प्लस ये जो आपकी औद्योगिक क्रांति फ्रांस क्रांति थी इन्होंने आधुनिकता को एक आयाम के अकॉर्डिंग देखा था इस प्रकार उन्नीसवी सदी के साथ ही एक प्रकार का संबंध और निरंतर थी इस काल में पूंजीवादी औद्योगिकरण उत्पादन प्रबल साधन बन गया और राष्ट्रवाद राज्य राजनीति की मुख्य विशेषता के रूप में उभरे तो इस तरह से जो राष्ट्र और राज्य की विशेषता के रूप में इसको देखा गया औद्योगिक औद्योगिकरण को ठीक है इसके उत्पादन को अब इसके बाद देखिए पूंजीवादी औद्योगिकरण सदी के जीवन के जीवन सभी आयामों में पूंजीवादी शामिल है।, तो है उसमें जो पूंजीवादी है ना उसको दो भागों में बांटा गया था उस सदी को क्या एक तो विकसित था और एक विकासित विकसित देश वो होते जो अपना विकास कर चुके होते विकासशील देश वो होते जो अभी विकास कर रहे होते ठीक है थीके? साथ ही ऐसे देश जिनके पास कुछ नहीं था और जिनके पास सब कुछ था बीसवीं में अस्तित्व में थे तो मतलब इनके पास सब कुछ था इनके पास कुछ नहीं था तो ये अस्तित्व में आए थे ठीक है पूंजीवादी औद्योगिकीकरण के परिणाम से तीव्र गति से आर्थिक प्रगति हुई यह कुछ समाजों के पिछड़ेपन और समाज में रहने वाले बहुसंख्या लोगों के पिछड़ेपन का कारण बना तो देखो जो इनकी ग... जो इसके औद्योगिकरण के कारण ये हुआ कि जो उनकी आर्थिक प्रगति हुई थी जिसमें समाज के जो पिछड़े वर्ग होते हैं जो समाज में रहते बहुसंख्या उनके लिए उनके वो कारण के रूप में बनाए ठीक है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए पूंजीवादी औद्योगिककरण के चरण और आधुनिकता तो इनके जो चरण है और इनकी आधुनिकता है इनके अकॉर्डिंग देखिए फर्स्ट पॉइंट में आपका पहला चरण है व्यापारिक या वाणिज्य पूंजीवादी के नाम से जाना जाता है तो इस नाम से इन्हें जाना जाता है तो देखिए इस काल पंद्रवी से अठारवी सदी तक माना जाता है तो जो इसका काल है ना देखियो पंद्रह शताब्दी से आप अठारह शताब्दी के बीच में मान सकते यही हुआ समय था जब पश्चिम यूरोपियन देश जैसे इंग्लैंड फ्रांस पुत्र स्नैप सामूहिक शक्ति थे और तो देखो ये सब देश में जो वो लोग साम, देश शामिल थे जिसमें कि जो सामूहिक शक्ति के रूप में जैसे आप कह सकते हैं ग्रुप के रूप में जैसे इंग्लैंड हो गया फ्रांस हो गया स्नैप हो गया ये सब देश शामिल थे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनका वर्चस्व था और ये सभी का जो वर्चस्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में था मतलब उनकी शक्ति का वो दिखावा था और वे सभी अन्य राष्ट्रों को अपने उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया में थे मतलब कि जो बाकी के राष्ट्र बन गए अपने अधीन लेना चाहते थे अपना गुलाम बनाने की प्रक्रिया में थे जो इनका वर्चस्व था तो ठीक है दूसरे चरण में उन्नीसवी सदी और पूंजीवादी के पूर्ण विकसित रूप में देखा जाता है तो दूसरे चरण में जो कि आपको पूंजीवादी का जो विकास हो चुका है, हो चुका चुका है 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 विकसित तो देखा जाता है। यह औद्योगिक उत्पादन में निवेश और ताकनिकी प्रगति के कारण विकसित बड़े पैनामे पर हो रहे उत्पादन से जुड़ा हुआ है तो देखो जो आपके विकास के अकॉर्डिंग इसमें बताया गया जो उत्पादन होती है उसकी प्रगति होती है ताकनीकी उनके विकास के अकॉर्डिंग किया जा रहा है इस काल में इंजन कपड़ा मशीन और कृषि कार्य हुए नए नए आविष्कार यातायात के नए नए साधन विशेष रेलवे कोयला लोह खनन नए नए तौर तो तरीके और कारखाने जहाँ पाने वाले श्रमिकों को उनकी स्वयं से पूंजीवादी के विकास में योगदान दिया तो देखो जो इस काल में आपको नए नए जो मशीनों का आविष्कार हुआ कपड़ों का विष्कार हुआ आने जाने की जो सुविधा हुई यातायात के कोयले खाने लोहे इन कारखाने इन सब का जो कि आपको पूंजीवादी के अकॉर्डिंग इसका विकास हुआ ठीक है इसके बाद देखिए बीसवीं सदी के प्रारंभ में लो उद्योग जहाज निर्माण बड़े फॉर्मो में उत्पादन की उत्पादन और पूंजी क्षेत्र में लंबी छलांगे लगाई गई तो मतलब कि ये सभी इनका इस सन में बीसवीं सदी में इनका विकास हुआ इस काल में पूंजी एकाधिकार साम्राज्यवाद और अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदता अत्य रूप से देखने आई तो मतलब कि जो साम्यवादी होती है व्यवस्था होती है उनका एक अधिकार हो गया अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर हो गया और उनको देखने के आए थे ठीक है पूंजीवादी औद्योगिकरण में अधिकार की शुरुआत अत्यधिक विकसित देशों में हुई है इन देशों के औद्योगिकरण उत्पादन में स्वस्थम स्थिति की पहचान की और ये बाजार के एकाधिकार को अपने उपनिवेश की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया में लगे रहे तो देखो इन्होंने पूंजीवादी जो अध्योगित कर अपने जो विकास की शुरुआत की और इन्होंने ये क्या किया कि जो अपने उत्पादन को ना अच्छे तरीके से बनाने के लिए एकाधिकार उपनिवेश के लिए अर्थव्यवस्था को सुरक्षित करने की प्रक्रिया में लगे कि कैसे हम सुरक्षित कर सकते हैं ठीक है उन्हें खुले बाजार और प्रतियोगिता के लिए छोड़ा और जो खुले बाजार है और उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रतियोगिता के लिए छोड़ दिया दूसरे शब्दों में अब एक नियमित बाजार के पक्ष में थे ऐसा बाजार जो उसमें ही नियंत्रित हो ना कि देखो दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि एक ऐसे बाजार की कल्पना की जा रही थी जो उन्हीं में नियंत्रित हो अथवा अर्थव्यवस्था का निर्धारण करने के लिए मांग और पूर्ति के नियम को छोड़ने के पक्ष में थे और जो अर्थव्यवस्था का निर्धारण होता है उसकी मांग करने के लिए आप उसको छोड़ भी सकते हैं उसके पक्ष में वो थे तो गाइस फाइनली ये क्वेश्चन था जो इसके आंसर हमने करा चुके हैं ठीक है बाकी के बच्चे आपके पाँच से छः क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में करा दे अगर वो टाइम मिले तो क्योंकि आपके पेपर आने वाले जैसे टाइम कम है तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए जिससे स्टूडेंट को भी पीडीएफ परचेज करना है तो WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए थैंक यू